गुड मॉर्निंग गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक हैं आप सबकी दुआओं से। तो लिबेरिया में आजकल मौसम चेंज हो गया है, यहाँ पर बारिशें हो रही हैं और सुबह सुबह का व्यू आप लोग देख सकते हो, खिड़कियों पे इतनी ज़्यादा पानी जमा हो जाता है ना, नमी जिसे कह लो, तो वो देखें बाहर कुछ नज़र भी नहीं आ रहा। मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ कि सुबह सुबह उठ के इतनी ग्रीनरी देख के कितना अच्छा लगता है, आँखों को ठंडक मिलती है। तो बस मैं थोड़ी देर यहाँ पर देखती रहती हूँ और फिर जाती हूँ मैं ब्रेकफास्ट बनाने, और बस अभी चलते हैं। हो अभीहा अभीहा मुझे तंग करने लगी हुई है ना, आ जाओ आपको नाश्ता बना के दूँ। तो इधर अभीहा को मैंने सॉसेस के छोटे छोटे पीस करके दिए हैं और मैडम खुद खा नहीं रही, जुई को दे जा रही है सारी। ये देखो, एक देखे चली जाती है, वो खाना स्टार्ट कर देती है और मेरी शहजादी फिर और एक लेने चली जाती है। जान अभीहा अभीहा इधर क्या करने आई है, थक गई है उसको खिला खिला के, चेयर पे बैठने आई थी। ओहो ओहो, अब खुद खाया जा रहा है। गंदा बच्चा, जी गंदा बच्चा है। बाहर इतनी तेज़ बारिश हो रही है और बिजली की इतनी आवाज़ें आ रही हैं ना बहुत ज़ोर से, अभी मैं इतना बुरा डर गई थी बिजली की आवाज़ से। अभी मैं आप लोगों को बाहर दिखाती हूँ कि बारिश कितनी तेज़ हो रही है और बादल जो है ना वो ऐसे गज रहे हैं ना, इंसान एक बार तो हिल जाता है। मैं वाकई में बहुत डर जाती हूँ जब भी आसमान से ऐसी आवाज़ें आती हैं ना, मैं डर जाती हूँ। बारिश अच्छी लगती है लेकिन ये आवाज़ें और बिजली का गजना वो नहीं मुझे अच्छा लगता। तो भाई ये दूसरी साइड जो मैंने आपको दिखाई थी ना, उस दिन मुझे भिंडियाँ नज़र ही नहीं आई, और ये अब हमारे घर की जो बैक साइड है ना वहाँ पर ये भिंडियाँ लगी हुई थी, वहाँ से मैं उतार कर लेके आई हूँ। आप लोग इनका साइज़ देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही फ्रेश और बहुत लंबी लंबी और मज़े की ये हैं। तो अभी मैं बनाने लगी हूँ ये वाली भिंडियाँ, साथ में ये एक बैंगन है, ये भी हमारे घर पर लगा हुआ है, एक ही लगा हुआ था तो ये भी मैं तोड़ के लेके आ गई हूँ। तो गाइस ये पार्सल आया है मेरा पाकिस्तान से, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो सोचा इस बार वॉइस ओवर क्या करना, अभी मैं आप लोगों के साथ ही इसको अनबॉक्स करती हूँ। ये बस मैंने जिप खोली थी, फिर मैंने कहा अकेले में करना, फिर अभी फिर बाद में आप लोगों को दिखाना, इसलिए एक साथ ही कर लेते हैं। ये फ्रॉक है जो मेरा ईद का ड्रेस है, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये अभीहा का बैग है, अभीहा की खाला ने भेजा है, और ये मेरा ड्रेस है, अभी आपको खोल के भी दिखाती हूँ। वाह, ये शूज़ मामा ने लेके भेजे हैं, बहुत ही प्यारी है सैंडल, और भी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा सामान है। व्हाट, ओके ओके ओके, बाकी ये मैं सारा सेट करके आप लोगों को दिखाऊँ, ये काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी। ये अभीहा का टैप है, बीच में अभीहा के कपड़े हैं, ये मेरे हस्बैंड की शर्ट्स हैं, ये पार्ले की क्रीम ब्लीच जो कि मैंने वहाँ से मंगवाई, यहाँ से पता नहीं मुझे ब्लीच क्रीम मिली नहीं है, और ये भी मेरे हस्बैंड की शर्ट है, और ये मेरा बहुत ही प्यारा सा अबाया है जो कि मेरी मामा सऊदी अरेबिया से लेके आई हैं, मेरी मामा उमरा करने गई थी वहाँ से। खोल के दिखाती हूँ मैं आपको। तो भाई ये ड्रेसेस हैं अभीहा के डेली वेयर वाले,
और ये मेरी छोटी सिस्टर हैं दो, वो सिलाई सीख रही हैं, उन्होंने ये स्टिच की हैं। ये वाली फ्रॉक बहुत प्यारी है और ये जब मैंने देखी है ना तो मुझे ना मेरी भाभी का याद आ गया कि उनकी सिलाई जो है ना वो इस तरह से होती है। अच्छा, मुझे पता नहीं था कि ये मेरी भाभी ने ही स्टिच की है, मुझे लगा कि ये ना मुझे पता नहीं फील हो रहा था कि उन्होंने स्टिच की, मुझे खुद ही पता चल गया कि ये उन्होंने स्टिच की है। बहुत प्यारी है, डिज़ाइन लगा के ना बहुत प्यारी लगती है बच्चों के पहनी हुई। और ये स्टिच कपड़े ही हैं, इनका हाल इतना बुरा हो गया ना, बैग में थे घुचड़ मुचड़ होके, सारी इस्त्री ख़राब हुई हुई है। और ये आप देखें, ये पिंक कलर की कितनी प्यारी है। तो पहले ना, इससे पहले मेरी मामा ने कपड़े ना टेलर से स्टिच करवा के भेजे थे बिया के, तो वो ना बिया के बहुत ज़्यादा खुले थे, तो अभी तक तो मैंने पहने ही नहीं है बिया के, वो वैसे के वैसे पड़े हैं। और इस बार मेरी भाभी ने और मामा ने बैठ के मेरी छोटी बहनों से स्टिच करवाए हैं, पीछे तनिया लगाई हुई हैं, बटन लगाए हुए हैं, इतने प्यारे, माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये स्टिच ही है, ये मेरी भाभी, बड़ी भाभी ने भेजा है, और ये दूसरी बड़ी भाभी ने भेजा है बिया के लिए ड्रेस। थैंक यू सो मच अगर आप लोग देख रहे हो। और ये मेरी छोटी बहन ने भेजा है बिया के लिए, एक मिनट इसको मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, मुझे यकीन नहीं आ रहा, मेरी छोटी बहन ने इसके अंदर भी चीज़ें रखी हुई हैं बैग के अंदर। और ये बहुत ही प्यारी सी बैंगल्स हैं, बिया की हैं, मेरी हैं, और ये भी मेरी मामा लेके आई हैं सऊदी अरेबिया से। और ये परफ्यूम है, ये बस इसको ना कपड़ों पे थोड़ा सा रगड़ दो तो बहुत अच्छी खुशबू आती है। और ये मेरी छोटी सिस्टर मेरे हस्बैंड के लिए लेके आई है रिंग, उन रिंग पे मेरे हस्बैंड का नाम लिखा हुआ है। और ये चूड़ियाँ हैं, ये छोटी सी अभिया की हैं और अभिया को अभी बड़ी हैं, अभी आएंगे नहीं। और मेरी बैंगल्स मुझे बिल्कुल पूरी हैं और बहुत प्यारी लग रही थी, ईद पे पहनूंगी मैं। यहाँ पर ना अल्बेरिया में, अगर आप लोग बाहर कहीं दूर जा रहे हैं ना, तो यही होता है कि आप आर्टिफिशियल पहन के चले जाओ, रियल जो है ना वो इतना सेफ़ नहीं होता। हाँ, अगर आप किसी के घर दावत पे जा रहे हो तो आप रियल पहन के जा सकते हो, अदरवाइज़ आर्टिफिशियल बहुत प्यारी लगती हैं। और ये तो मुझे बहुत पसंद है, इनका कलर भी नहीं उतरता और डिज़ाइन भी बहुत प्यारा है। आपकी खाला ने भेजे ये, मेरी बेटी खुश हो रही है, अपना बैग देख के खुश हो रही है मेरी बेटी। ये वाला ड्रेस अभिया को बिल्कुल पूरा था, तो फिर मैंने चेंज करवा दिया अभिया का ड्रेस, और माशाल्लाह देखें कितना प्यारा लग रहा है। पाकिस्तान से सामान तो मेरा कब से आया हुआ है, लेकिन मुझे था कि मैं जो अपने ड्रेसेस हैं और गाउन है ना वो मैं प्रेस करके दिखाऊँ, तो अभी मैंने प्रेस करवाए, अभी मैं आपको हैंग करके अच्छे से दिखाती हूँ। तो भाई ये है मेरा ईद का ड्रेस, कलर आप लोग देख सकते हो कितना ब्राइट, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा कलर है। अभिया को भी अच्छा लगा है, मामा का ड्रेस है ना अभिया, अभिया भी कह रही है मामा का ड्रेस प्यारा है। और इसका गला आप लोग देखें कितना प्यारा है, माशाल्लाह। मुझे ना ज़्यादा भरे भरे काम वाले कपड़े नहीं पसंद, वो मुझे लगता है कि बस पेंडू लोग पहनते हैं, इतना ज़्यादा काम ओवर ही होते हैं कपड़े। मुझे इस तरह से ना डिटेलिंग और सिंपल सिंपल ड्रेसेस बहुत ज़्यादा पसंद है। आप लोग देख सकते हो इसके बस बाजू बने हुए हैं और बाजुओं पे हल्का सा काम है, पूरा जो कमीज़ है उसके अंदर छोटा छोटा काम है, गला बना हुआ है, साइडों पे इसका डिज़ाइन आप चेक करें कितना प्यारा है। ट्राउज़र इनका बिल्कुल सही है, खुला है, प्लस साइज़ वाले भी आराम से इसको पहन सकते हैं, दुपट्टा भी बहुत प्यारा है। और आप लोग देख सकते हो माशाल्लाह माशाल्लाह। Yeah, go bring other one. तो भाई अभी मैंने दूसरा अभी गाउन मंगवाया है, गाउन आप लोगों को दिखाती हूँ। दूसरा वाला जो ड्रेस है वो अभी मुझे ना इस तरह से हैंग करना है, फिर वो आपको दिखाऊंगी। पहले ये गई है अभी लेने, दूसरा वाला गाउन लेने गई है। तो भाई ये है अबाया, इसका आप लोग घेर देख सकते हो बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह, और कलर भी इसका बहुत प्यारा है, ग्रे कलर का है। मेरी सिस्टर ने जब ये देखा था ना तो मुझे कॉल करके कह रही थी, उसने मुझे वीडियो कॉल पे दिखाया, कह रही है आप ये वाला बहुत प्यारा है, मैं ये वाला ले लूँ आपके लिए। मैंने कहा हाँ ले लो, मुझे भी बहुत प्यारा लगा। मैं इसमें पिंक कलर देख रही थी कि लाइट बेबी पिंक, लेकिन वो नहीं था और एक स्किन कलर था। तो मेरी सिस्टर ने मुझे सजेस्ट किया कि आप ही ये वाला कलर ज़्यादा प्यारा लग रहा है, आप ये वाला ले लो। मैंने कहा चलो ठीक है, ये वाला ले लो मेरे लिए। और जब ये आया है ना मेरे पास तो मज़ा आ गया, माशाल्लाह बहुत प्यारा कलर है।
तो भाई दूसरा ड्रेस ये वाला है डार्क मेहरून कलर का। मुझे मेहरून कलर, पर्पल कलर और रेड कलर, मुझे ये कलर बहुत ज़्यादा पसंद है। मोस्टली मेरे जो ड्रेसेस होते हैं ना इन कलरों में होते हैं। इसका काम आप लोग देख सकते हो, बाजू कितने प्यारे हैं और जैसा कि पहले सूट में भी था, पूरे कमीज़ के अंदर छोटे छोटे कढ़ाई की हुई है। ये इसका पजामा है, पजामे में भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस है और नीचे थोड़ा सा काम किया हुआ है। आई थिंक ये पाइपिंग होती है, पता नहीं क्या होता है, वो डोरी वाली वो लगाई हुई है। और ये दुपट्टा है, दुपट्टा भी बहुत प्यारा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये है फुल लुक मेरे ड्रेस की। और एक मेरा ड्रेस पाकिस्तान में ही रह गया क्योंकि सामान काफ़ी ज़्यादा हो गया था, तो फिर मैंने ना अपनी सिस्टर को बोला, वो फ़्रॉक थी रेड कलर की, वो मैंने ना निकलवा दी है। वो मैंने मंगवाई थी ईद पे पहनने के लिए ना, काफ़ी प्यारी थी और मुझे लगा ईद के हिसाब से अच्छी होगी, किसी के घर जाएँगे दावत वगैरह पर तो पहन के चले जाएँगे। तो फिर वो मैंने निकाल दिया है, शायद वो भी आ जाए, कभी आए और ले आए। तो ये बहुत प्यारी सी चार शर्टें हैं जो मेरे हस्बैंड की हैं। और ये अब सारा कुछ मैंने दिखा दुखू दिया, अब ये सारा खलारा पकड़ा हुआ है। अभी जो हैंग करने वाली चीज़ें हैं उनको हैंग करूँगी और जो कबड़ में रखने वाली है उनको कबड़ में रखूँगी। यार मैं बता नहीं सकती, इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है मुझे, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, माशाल्लाह माशाल्लाह। और बहुत एक्साइटमेंट थी मुझे ये सारा सामान आने की। और जो भाई लेके आए हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि इतनी दूर से कोई आपका सामान नहीं लेके आता, वो लेके आए हैं। ये बहुत मेरे लिए खुशी की बात है, अल्लाह पाक उनको खुश रखे। और माशाल्लाह माशाल्लाह सारा सामान बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा।